हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको एक कस्टम रोम के बारे में बताऊंगा। तो इस ओएस का नाम है साइफर ओएस एंड इसे आप AOS CP रोम भी कह सकते हो। तो इस रोम पर क्या क्या फीचर्स एंड कौन से है एंड कैसे इस रोम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है लिनोवो K3 नोट पे, इन सभी के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस रोम के फीचर्स एंड कॉन्स के बारे में। यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई ब्लूटूथ ये सभी ठीक से काम करता है, लेकिन हॉटस्पॉट में कुछ इश्यूज है तो इसे आप फिक्स कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप हॉटस्पॉट फिक्स बाय संजय ठाकुर जिप को डाउनलोड कर लो एंड देन इसे इंस्टॉल करना है तो फिक्स हो जाएगा। इस रोम पर बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड अच्छा है, लेकिन .OS से अगर कंपेयर करें तो उतना भी अच्छा नहीं है। एंड कैमरा क्वालिटी भी सही है, गूगल कैमरा ऐप की मोड वर्जन इसमें सपोर्टेड है। इस ओएस पे बहुत से कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, ज़्यादातर ऑप्शंस डिस्प्ले, जेस्चर, बटन्स एंड ट्यूनिंग ऑप्शन पे है। एंड नेटवर्क स्पीड मॉनिटर ऑप्शन इसमें नहीं है, बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। इस रोम पे गेमिंग के समय फ़ोन बहुत ही हॉट हो जाता है डिफ़ॉल्ट एंड वेनम कर्नल दोनों में ही। इस रोम पे आप वेनम कर्नल को बूट एमजी फाइल के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो। कैसे इंटीग्रेट करना है इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कैसे करना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड डिफ़ॉल्ट में रिनाइज कर्नल है, उसमें भी सेम है। फेस अनलॉक मोड इसमें सपोर्टेड है। रोम पहले से रूटेड नहीं है तो आप सुपर सू एंड मैजिस्क किसी से भी रूट कर सकते हो। एंड कॉलिंग में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। इस रोम पर सितंबर 2017 का सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल्ड है। एट द एंड इस रोम को आप डेली डेवर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो अभी जितने भी फीचर्स एंड कॉन्स के बारे में आपको बताया वो सभी मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस रोम को कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए पहले तो आप नीड रोम की साइट पे आ जाइए एंड देन नीड रोम पे लॉगिन हो जाइए, उसके बाद ही डाउनलोड कर पाओगे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में इस रोम के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा, कैसे इंस्टॉल करना है, डेवलपर्स का नाम, ये सभी। देन यहाँ पे साइफर ओएस लिंक पे क्लिक कीजिए, फिर इन सभी को कंटिन्यू कर दीजिए एंड यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लीजिए तो हो जाएगा। एंड इसके बाद जी एप्स डाउनलोड करना है तो ओपन जी एप्स डॉट ओ आर जी पर आ जाइए, देन ARM64 Android 7.1 एंड पिको सेट करके जी एप्स को डाउनलोड करना है। तो इन सभी को डाउनलोड करने के बाद किसी भी एक स्टोरेज पे प्लेस कर दीजिए, फिर आप अपने फ़ोन को DWR पे रिकवरी पे रिबूट कीजिए। तो रिकवरी पे आने के बाद पहले तो आप अपने करंट सिस्टम का बैकअप कर लीजिए, ताकि इंस्टॉल करते वक्त एरर या कुछ भी हो जाए तो फिर बाद में रिस्टोर कर पाओगे। जिस वक्त रोम इंस्टॉल कर रहा था उस वक्त की सभी वीडियोस डिलीट हो गया था तो इसलिए ऐसे दिखाना पड़ रहा है। एंड देन आपको जाना है वाइप पे, देन एडवांस वाइप, तो यहाँ पे डेल्बी कैश सिस्टम, कैश डेटा, इन चार ऑप्शन को इनेबल करके इसे स्वाइप कर दीजिए। इससे आपका सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा, अभी किसी भी रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। देन बैक कीजिए, फिर आपको जाना है इंस्टॉल पे, उसके बाद स्टोरेज सिलेक्ट करके रोम फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो रोम फाइल को सिलेक्ट करने के बाद देन इसे स्वाइप करके फ्लैश कर दीजिए। इसको फ्लैश होने में कुछ टाइम लगेगा तो वेट कीजिए। एंड कंप्लीट होने के बाद आपको बैक करना है एंड सेम तरीके से जी एप्स को फ्लैश करना है। एंड इसके बाद आप चाहो तो हॉटस्पॉट फिक्स जिप एंड वेनम कर्नल को इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन रिबूट सिस्टम कर दीजिए तो हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी बात हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।